दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम छठवें राष्ट्रीय अधिवेशन में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के दमोह स्थित पथरिया के श्री विरागोदय तीर्थ पर 6 फरवरी 2023 को गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज ससंग 300 साधु संतों के पावन सानिध्य में अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का छठवां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम संस्थापक श्री रवि जैन गुरु जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें देश के अनेक ज्योतिषाचार्यों ने उपस्थित होकर जैन ज्योतिष पर विचार विमर्श किया। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की पावन झलकियां। मध्य प्रदेश के दमोह स्थित पथरिया के श्री विरागोदय तीर्थ क्षेत्र की पावन धरा पर 6 फरवरी 2023 को गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज ससंग 300 साधु संतों के पावन सानिध्य में अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का 6वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम संस्थापक श्री रवि जैन गुरुजी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें देश के अनेक ज्योतिषाचार्यों ने उपस्थित होकर ज्योतिष की महत्वता के बारे में बताया। इस अवसर पर सर्वप्रथम उज्जैन से उपस्थित हुए डॉक्टर जयेंद्र कीर्ति जी ने ज्योतिष से संबंधित अपनी जानकारी प्रदान की। जैन मंत्रों से रोगों का निदान कैसे करते हैं, इस पर मेरी एक किताब भी चलती है, पावर ऑफ लेटर, कि काका का बोलने से या जो अपनी शांति धारा होती है उसमें बीजाक्षरों का प्रयोग किया जाता है, उन बीजाक्षरों के प्रयोग से हाउ टू कंट्रोल द डिजीज, इस पर मेरा कार्य है। चूंकि समय की सीमा है, मैं एक एक अक्षर बताऊंगा, एक उदाहरण लास्ट में देके जाऊंगा। यदि आप डायबिटीज से पीड़ित हैं, यदि आपके द्वारा ओम ह्रीम नमः का प्रयोग किया जाता है, डायबिटीज कंट्रोल होगी, क्योंकि आपकी बीटा सेल्स इनएक्टिव हो गई हैं, पैनक्रियाज के अंदर उनका डायमीटर बढ़ गया है। ऐसी परिस्थिति में यदि आप इस महामंत्र का जाप करते हैं तो आपकी शुगर सनय सनय कंट्रोल हो जाएगी। चाहे जब आपके पैनक्रियाज के अंदर शुगर पार्टिकल जाते हैं उस समय आपको ब्लड शुगर होती है, और वही जब आपके ब्लड शुगर के पार्टिकल किडनी के अंदर यूनिफेस्टिब्यूल्स होते हैं उनके अंदर जाती है, यूरिन शुगर होती है। यदि आपके द्वारा केवल ओम ह्रीम नमः शब्द का प्रयोग किया जाए तो आपको इस बीमारी से निजात मिलेगा। भारतवर्ष के अंदर दुनिया में जो क्रॉनिकल डिजीज हैं इनके ऊपर मेरा कार्य चल रहा है, हाउ टू कंट्रोल द डिजीज। इसी क्रम में अन्य ज्योतिषाचार्यों ने उपस्थित होकर श्रावक श्राविकाओं जैन ज्योतिष की जानकारी प्रदान की। देखिए, बीच बीच में मैं देख रहा था कि आज फागुन कृष्ण प्रतिपदा
अश्लेषा नक्षत्र सोमवार सौभाग्य योग भालव कर्ण है। तो मैं सुबह से देख रहा था कि आज अश्लेषा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है और राहु केतु शनि का प्रभाव इस कली काल में बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, प्रत्येक चीज में बाधक है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जैन ज्योतिष, हमारे इतने लोग हैं जो अन्य मत के अनुसार राहु केतु शनि मंगल आदि आदि ग्रहों की शांति करना चाहते हैं, पूछते हैं, दूसरे विद्वानों के पास जाते हैं, तो इसी को देखते हुए भारत के समस्त विद्वानों ने, जिसमें रवि जैन गुरुजी अध्यक्ष हैं हमारी परिषद के, मैं महामंत्री हूं और अन्य साथियों का सहयोग है, टीकम चंद जी उसके संरक्षक हैं, पूज्य गुरुदेव का हमें आशीर्वाद है, हमने एक परिषद बनाई और इसका उद्देश्य मात्र हमारे जैन व्यक्तियों को, जैन बंधुओं को, जैन समाज के लोगों को, पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में उनको जैन धर्म के अनुसार राहु केतु शनि मंगल गुरु अन्य अन्य ग्रहों के जितने भी ग्रह हैं उनकी शांति से और उनका उपचार करके और लोगों को कैसे लाभ मिले, कैसे उनकी बाधाएं दूर हों, इसकी तरफ लोगों को ले जाना है। क्योंकि ज्योतिष में ज्योति शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, और प्रकाश जब होता है तो सारी वस्तुएँ दृश्य होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं लाइट में सारे यथावत जो हैं वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बंद कर दें तो अंधेरा हो जाएगा, दिखाई नहीं देंगी। ज्योतिषी एक प्रारब्ध को नहीं बदल सकता, ज्योतिष एक प्रारब्ध को नहीं बदल सकता, लेकिन वो इतना तो कर सकता है कि किसी नाली में बहता पानी जा रहा है और उसमें अगर पत्थर गिर जाता है तो उस पत्थर को हटा दिया जाए तो उसका प्रभाव अपनी तरफ तेजी से जा सकता है। इसी श्रृंखला में संस्थापक अध्यक्ष श्री रवि जैन गुरुजी ने भी अपने लोगों को जैन ज्योतिष के बारे में जागरूक किया। देखिए मैं बताता हूँ ज्योतिष होती क्या है, कैसे आप ज्योतिष पर विश्वास कर सकते हैं, कैसे मुहूर्त को आप मान सकते हैं। एक बार मैं उनके पास बैठा हुआ था, बात है सन 2009 की, उन्होंने मुझे कहा रवि बेटा एक बार हाथ दिखाइएगा। मैंने उन्हें अपना हाथ दिखाया, उन्होंने 10 मिनट तक विश्लेषण किया और केवल 3 सेंटेंस बोले। पहला उन्होंने बोला कि रवि बाबू तुम ज्योतिष सीख लो, दूसरा उन्होंने बोला कि तुम ज्योतिष सीखोगे, और तीसरा उन्होंने बोला कि तुम ज्योतिष सीखोगे और मेरे से ऊपर जाओगे। मैंने कहा बाबूजी आप कैसी मजाक की बात कर रहे हैं, मुझे तो ज्योतिष की राशियां भी नहीं पता कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती है वो तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं तो पत्रकार हूँ, पंजाब केसरी का जिला प्रभारी हूँ और अपना काम कर रहा हूँ, स्कूल चला रहा हूँ। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, तुम्हारी हाथ की रेखा ये बोलती है। और बंधुओं आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक हफ्ते के बाद मैं पुनः बाबूजी के पास गया और कहा कि बाबूजी आप मुझे ज्योतिष सिखाइएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मैं ज्योतिष का अध्ययन कर लूँगा तो ऑफिस दिल्ली में खोलूँगा। उन्होंने कहा बिल्कुल आप दिल्ली में ही ऑफिस खोलेंगे। मैं उनके पास बड़ों से रोजाना आवागमन किया और एक लंबे समय तक उनके चरणों में बैठकर ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त की। और बंधुओं एक टाइम के बाद उन्होंने कहा कि आप ज्योतिष के विद्वान हो चुके हैं, लेकिन परिपक्वता लाने के लिए आपको जहाँ से मैंने डिग्री ली थी वहाँ से आपको डिग्री लेनी है। और बंधुओं दिल्ली के कनॉट प्लेस में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा आरंभ किया गया भारतीय विद्या भवन, जिसको आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, उसमें जाकर उन्होंने मेरा एडमिशन कराया और बड़ोस से ही अप डाउन करते हुए मैंने उससे डिग्री प्राप्त की। और जब मैंने डिग्री प्राप्त कर ली तो बंधुओं मैंने अपना ऑफिस दिल्ली में खोला, लेकिन 2010 में मेरा ऑफिस खुला गुरुवर, लेकिन ऑफिस खोलने के बाद भी मुझ में उतनी परिपक्वता नहीं आई। जब 2017 में
26 फरवरी 2017 को दिल्ली में मुनि श्री विसंत सागर जी महाराज और मुनि श्री विजय सागर जी महाराज का 5वां दीक्षा दिवस लगभग 5000 लोगों की भीड़ के बीच राष्ट्र संत मुनि श्री 108 विहर सागर जी के सानिध्य में बनाया। उस समय मुझे राष्ट्र संत मुनि श्री विहर सागर जी महाराज और मेडिटेशन गुरु विसंत सागर जी महाराज ने विहर्ष ज्योतिष रतन की जब उपाधि से अलंकृत किया, उतना प्रभाव मेरे अंदर आया। और बंधुओं, वहाँ से जो आशीर्वाद मुझे मिला लगातार मिलता रहा। और 3 साल पूर्व मैंने हमारे विद्वान डॉक्टर टीकमचंद जी से सलाह के उपरांत अखिल भारतीय जैन ज्योतिष आचार्य परिषद की स्थापना की सोची। और मात्र 3 साल के अल्प अवधि में हमने, मैं आपको बता दूं, गन्नी आर्य का ज्ञानमती माता जी, आचार्य सौभाग्य सागर जी, राष्ट्र संत मुनि श्री 108 विहर सागर जी, सोनागुरी में पूजा भूषण भक्ति भूषण माता जी, महावीर जी में सृष्टि भूषण माता जी, बड़ा गांव त्रिलोक तीर्थ में दृष्टि भूषण माता जी और जयपुर में लगभग 60 पीछियों के सानिध्य में आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में हमने अधिवेशन किया और जैन ज्योतिष को आगे बढ़ाने का काम किया। और बंधुओं, इसी कड़ी में अभी नवंबर में जब मेडिटेशन गुरु विसंत सागर जी महाराज का पावन मंगलमय चातुर्मास भोपाल में चल रहा था, उस समय मुझे एक अपार जनसमूह को संबोधित करने का अवसर मिला, जहां पर मैंने लोगों की समस्याओं को सुना और उससे संबंधित जब उपाय बताए तो वहां की समाज ने मुझे ज्योतिष विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। बंधुओं, आज हम घनाचार्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के चरणों में इसीलिए आए हैं कि हमारी परिषद ने जो ये अभियान शुरू किया है कि ये जो अनादि काल से भारतीय संस्कृति की एक अनुपम धरोहर है जैन ज्योतिष, इसको हम विश्व पटल पर अंकित करा सकें। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, देखिए ज्योतिषी उपाय आज से नहीं हैं, ज्योतिषी उपाय अनादि काल से हैं। हमें आवश्यकता गुरु मुनिराज केवल विश्वास करने की है। देखिए, जब महासती मैना सुंदरी पर संकट आया तो उन्हें भी एक मुनिराज ने बताया कि तुम श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की स्थापना करो और उसका गंधोदक अपने कोड़ीपति श्री पाल पर छिड़को, तुम्हारी समस्या दूर होगी। बस उसने भक्ति भाव के साथ उपाय को अपनाया, प्रभु की भक्ति करी और अपने संकट को टाल दिया। अगर हम बात करें आचार्य मानतुंग जी की, तो वो भी एक ज्योतिषी समाधान था। जब राजा के द्वारा आचार्य मानतुंग जी को 48 तालों में बंद कर दिया गया, तो उन्होंने भी ज्योतिषी उपाय अपनाया और प्रभु की भक्ति की और अपने संकट टाल दिए। ऐसे एक नहीं बंधुओं, हजारों उदाहरण हमारे आगम में हैं। बस आवश्यकता केवल विश्वास करने की है। अगर हम सच्ची भक्ति करते हुए देव शास्त्र गुरु पर आस्था रखते हुए नमोकार महामंत्र पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने कर्मों की जल्द निर्जरा कर लेंगे। तो बंधुओं, मेरा तो गुरुदेव के पावन चरणों में यही कहना है कि हमें केवल और केवल देव शास्त्र गुरु पर आस्था रखते हुए अपने आगम पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है और अपने जीवन का कल्याण करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मुनि देव के चरणों में सादर नमस्तु। तदुपरांत उपस्थित अन्य विद्वत जनों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है,
हौसलों में उड़ान होती है और इसी हौसले का प्रतीक हमारे रवि गुरु हमारे। इसके बाद उपस्थित समस्त ज्योतिषाचार्यों का स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद 6वें राष्ट्रीय अधिवेशन का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, विरागोदय तीर्थ की पावन धरा पर आयोजित हुआ 6वां राष्ट्रीय अधिवेशन सानंद रूप से संपन्न हुआ, जिसमें उपस्थित ज्योतिषाचार्यों द्वारा जैन ज्योतिष से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए गए। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।